नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उप जिलाधिकारी ने ली बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की बैठक। जैसे जैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं, वैसे ही वैसे निर्वाचन आयोग भी अपनी कमर पूरी तरह कसता नजर आ रहा है, जो चुनाव से पूर्व अपनी समस्त कार्रवाई अमल में लाना चाहता है। इसी के दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र की बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की एक बैठक ली, जिसमें समस्त बीएलओ को घर घर जाकर नए मतदाताओं व बाहर से आए लोगों को चिन्हित कर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, कुछ मतदाताओं के नाम छूट गए या कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र में फोटो गलत है, नाम गलत है, उनका संशोधन करने एवं कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाने पर उनका वोटर लिस्ट से नाम विच्छेदन करना समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तथा साथ ही कहा कि आगामी 25 जनवरी 2025 को मतदाता दिवस पर ज्यादा से ज्यादा मतदाता कार्ड दे सकें और लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर सकें, क्योंकि निर्वाचन नियमावली के बगैर कोई भी मतदान नहीं हो सकता। इसलिए निर्वाचित नियमावली जितनी शुद्ध होगी, हम लोग मतदान उतनी ही आसानी से करा सकेंगे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से नया पुनरीक्षण कार्यक्रम आया। पुनरीक्षण कार्यक्रम वो होता है जिसमें सर्वे किया जाता है, फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो इस बार डोर टू डोर सर्वे फिर से हो रहा है। तो बीएलओ फील्ड पर जाके नए वोटर्स को जोड़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उसमें कोई कमी है, किसी का फोटो खराब है, किसी का नाम खराब है, या कोई नया जो शिफ्ट होकर आया है, या जो मर चुके हैं, या जो जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे वोटरों के लिए फॉर्म्स भरेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, और ताकि हमारी जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल विदाग हो सके और उसमें कोई कमी ना रहे। और इसको इस तरह से किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म्स भरवाए जाएँ। 25 जनवरी जब मतदाता दिवस मनाएंगे हम, तो उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके आई कार्ड्स उनको दे सकें और लोकतंत्र है उसकी नींव को हम मजबूत कर सकें, क्योंकि निर्वाचक नामावली किसी भी इलेक्शन की नींव होती है। अब बिना निर्वाचक नामावली के इलेक्शन नहीं हो सकता। निर्वाचक नामावली जितनी शुद्ध होगी उतना बढ़िया वो इलेक्शन हम लोग करा सकते हैं।